पता है मैं ना कैमरे में बात करना भूल ही चुका हूँ, ऐसे अजीब सा लग रहा है। बट एनीवे, वीडियो शीडियो बनाना तो मैंने बंद ही कर दिया था। आप लोगों ने, कितने लोगों ने बोला कि ब्रह्मास्त्र के बारे में वीडियो बनाओ, बट मुझे मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। आई थिंक एट दिस पॉइंट दिस इज द टाइम जब मुझे फिर से एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि टीजर रिलीज हो चुका है आदि पुरुष का। क्या है ये, मेरे को वीडियो बनाने का प्लान था नहीं, लेकिन इस टीजर को देखने के बाद ना वीडियो बनाना ही पड़ेगा। सो टुडे आई एम हियर टू डिस्कस द आदि पुरुष टीजर। हर कोई ना इस टीजर को ट्रॉल कर रहा है, मतलब अंडरस्टैंडेबली एकदम ट्रॉल करने लायक ही क्वालिटी है जो भी है। बट फिर भी मैंने अपने एक पुराने वीडियो में बोला था कि मैं किसी भी रिलीजियस पीस के बारे में कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसीलिए मैंने ब्रह्मास्त्र के बारे में भी कभी वीडियो नहीं बनाया। बट इसके बारे में बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत सारी ना ऐसे सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन देख रहा हूँ। जो लोग बात कर रहे हैं, मतलब जो लोग ब्रेकडाउन्स कर रहे हैं अभी इस टीजर का, ट्रेलर का, तो बहुत सारी सर्विस लेवल की बातें हो रही है। तो मुझे लगा कि आई हैव समथिंग टू ऐड, तो उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आई नो कि ये कहानी रामायण पे बेस्ड, आई थिंक रामायण ही है। सो माई इंटेंशन इज नॉट टू ऑफेंड एनीबडी, मैं किसी को भी ऐसे दुख नहीं देना चाहता, चोट नहीं पहुंचाना चाहता। सो एज अ टीजर के हिसाब से, मतलब हम लोग क्रिएटिवली क्या सीख सकते हैं, क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसी के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो को उसी के हिसाब से आप देखिए। तो सच बोलो तो आजकल जैसे मूवीज निकल रही है ना बॉलीवुड में, तो मैं काफ़ी होपफुल हो रहा था बहुत सारी चीज़ों को लेके। एंड सच बोलो तो मैं पर्सनली ब्रह्मास्त्र से ज़्यादा आदि पुरुष को लेके ज़्यादा हाइप था। एंड जैसे ही टीजर निकला, मेरे दोस्त ने ना ये पिंग किया, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि क्या है, मतलब क्या मोटिव है इस वीडियो का, इस टीजर का। अभी तो देखिए, बुरा तो है, ये सबको पता है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अच्छा नहीं है। बट जैसा कि हम लोग अपने सारे वीडियोस में डिस्कस किया करते थे, तो हम लोग आज भी वही डिस्कस करेंगे कि क्यों, फ्रॉम ए क्रिएटिव पर्सपेक्टिव क्यों, मतलब व्हाट इज़ द बिगेस्ट रीज़न जो मुझे लगता है कि ये टीजर या फिर ये मूवी अगर ख़राब बनेगी तो क्यों बनेगी। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स कन्विक्शन। कन्विक्शन कहने का मतलब ये है कि जब भी आप क्रिएटिवली किसी भी प्रोजेक्ट को करते हो, या फिर किसी भी चीज़ को आप टेक ओवर करते हो, या फिर किसी भी चीज़ को करने लगते हो, तो कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है। आप ना ऐसे ऊपर ऊपर से देखा देखी आप अगर करोगे ना, तो वो चीज़ उतना अच्छा नहीं होगा। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि अभी इंडियन फिल्म मेकिंग जो सेक्टर है, उसमें ये बहुत चल रहा है कि स्पेक्टेकल होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये जो रन ऑफ द मील प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये जो एक ट्रेंड चल रहा है, उसी ट्रेंड को राइड करने के लिए मुझे लगता है कि ये मूवी कमीशन किया गया होगा। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे वो कन्विक्शन ही नहीं दिख रहा है कि जो डायरेक्टर हैं वो कुछ एक बोलना चाहते हैं, वो मुझे दिख ही नहीं रहा है। एंड यहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स लूँगा एसएस राजामौली की, और क्यों मैं एसएस राजामौली सर का एग्जांपल ले रहा हूँ वो भी मैं वीडियो में आगे जाके बताऊँगा। क्योंकि देखिए, अभी ही इज़ लाइक द बिगेस्ट डायरेक्टर ऑफ इंडिया एट दिस पॉइंट। मतलब उनके मूवी ने अब्रॉड में जाके आई थिंक 150 करोड़ का बिजनेस किया। आई माइट बी रॉन्ग, बट वैसा कुछ तो है। तो ही इज़ लाइक द बिगेस्ट डायरेक्टर, तो उनको बेंचमार्क पकड़ के अगर हम लोग बात करेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो अगर हम लोग एसएस राजामौली सर के कुछ इंटरव्यूज देखेंगे ना, तो वो बोलते हैं कि उनका थॉट प्रोसेस, उनका कन्विक्शन अलग तरीके से चलता है। उन्होंने एक बार महाभारत के बारे में बात करते हुए उन्होंने बोला था कि जो महाभारत की कहानी है वो तो सबको पता है, राइट। उनकी सोच ये है कि अगर अर्जुन और कृष्ण दोस्त नहीं होकर अगर कर्ण और कृष्ण दोस्त होते, कृष्ण भगवान, तो वो कैसा डायनेमिक बनता। वी नो देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन दुर्योधन एंड कर्ण, वी नो देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन, बट माय माइंड वर्क्स लाइक what if there is a friendship between Krishna and Karna? No, that is how I think now, just the thought of it. I told you now and it fires my imagination. It's exciting. I want to see that. So his thought process is like that. तो अगर वो उसको सोच के निकालेंगे ना, तो उनके conviction से वो निकलेगा, वो देखा देखी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो मूवी होगी आदि पुरुष, या फिर ये जो टीज़र हम लोगों ने देखा, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कन्विक्शन, जो डायरेक्टर है, जो क्रू है, जो कास्ट है, उनमें कन्विक्शन नहीं है। दे आर नॉट कन्विंस्ड कि वो लोग क्या बना रहे हैं। और मैं जो ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है इस टीज़र का ओपनिंग शॉट। सो जो ओपनिंग शॉट है उसमें वी कैन सी कि प्रभास एज लॉर्ड राम वो अंडर वाटर मेडिटेट कर रहे हैं। एंड ये सीन इज फेक, ये सीन फेक लगता है दिखने में, लाइक दिस इज द ओपनिंग शॉट ऑफ द टीजर, एंड उसी में ही नहीं हो पाया। मतलब क्या बोलूँ अभी। और अगर जो कास्ट एंड क्रू है, उनको अगर कन्विक्शन होता है स्ट्रॉन्ग कि हम लोग को ये सीन अच्छा बनाना है, तो वो लोग ना इस सीन को एक्चुअली में अंडर वाटर रियल शूट करते। 500 करोड़ का बजट बता रहे हैं ये लोग इस मूवी का, तो वो लोग एक लोकेशन ढूंढ के वहाँ पे अंडर वाटर नहीं शूट कर सकते थे। देखिए, बजट है, लेकिन बजट को ऐसे वीएफएक्स में एक्सप्लॉइट करने से ज़्यादा बेटर है कि आप एक अच्छा मूवी बनाइए ना, कि अच्छा एक मूवी में कैसे बनाऊंगा। देखिए जो लीला दी सोलमेट में जो प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम तो इधर भी है ना कि 99% VFX। व्हाट इज़ द लॉजिक, क्यों करना है? VFX तब करो जब आप उसको रियलिटी में अचीव नहीं कर सकते। बट दिस शॉट कुड हैव बीन रियली मतलब वो कर सकते थे वो लोग। देखिए अभी मैं एक्सट्रैक्शन के शॉट्स दिखा रहा हूँ, लेकिन ये बॉलीवुड में भी पहले हो चुका है। अगर आपने टशन मूवी देखी है तो उसमें भी ये शॉट हो चुका है, पहले अंडर वाटर लोगों ने शूट किया हुआ है। तो आई थिंक प्रभास इज फिजिकली केपेबल कि वो थोड़ा प्रैक्टिस करके ये शॉट अच्छे से रियल में दे सकते थे। क्योंकि देखिए जो VFX आर्टिस्ट हैं उन लोगों ने तो अपना काम कर दिया ना। वो कपड़े को थोड़ा सा हिला दिया, थोड़े नकली बाल लगा दिए एंड थोड़ा लाइट एंड शेडो वाला खेल खेल लिया। सो दे ट्राइड द बेस्ट टू कन्विंस अस, बट नहीं हो पाया, वो नहीं कर पाए वो लोग। क्योंकि वही है कि डायरेक्टर का कन्विक्शन ही नहीं है। और अगर डायरेक्टर को ये सीन VFX में ही करना था तो वो इस सीन को नहीं करते। ओके वो उनको वो बोलते कि दिस इज लुकिंग फेक, मुझे और ज़्यादा काम चाहिए इसमें, पर वो हुआ नहीं। और ऐसे सीन्स को देख के ना मुझे ऐसे लिटरली VFX आर्टिस्ट जो हमारी तरह आर्टिस्ट हैं, मैं VFX आर्टिस्ट नहीं हूँ लेकिन क्रिएटिव फील्ड में तो हूँ ना, बुरा लगता है कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मतलब जो टैलेंट है ना उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको अच्छे से यूज़ नहीं किया जा रहा है। इट्स लाइक नॉट गुड। फिर उसके बाद जो क्लिप आती है बैक टू बैक, मतलब बहुत ही गंदी कंपोजिशन। मतलब सच बताऊं तो हमारे ऑफिस में जो एकदम इंटर्न लेवल के लोग ज्वाइन करते हैं ना, वो लोग इससे ज़्यादा अच्छा कंपोजिशन कर लेते हैं, मैं बोलता हूं आपको। क्योंकि बस लेवल्स को मिला दीजिए ना, बस लेवल को मिला दीजिए, ये शॉट थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। एंड जब मैं राजामौली सर के बारे में बात कर रहा था तो मैंने बोला था कि क्यों मैं कर रहा हूँ बात। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर ये जो शॉट में प्रभास का जो जंप है, दिस इज़ द सेम जंप जो प्रभास ने बाहुबली में भी किया था। लेकिन बाहुबली वाले शॉट का इम्पैक्ट देखिए और यहाँ पे इस शॉट का इम्पैक्ट देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सेम प्रभास, सेम जंप, सेम एवरीथिंग, डायरेक्टर कन्विक्शन, विजन का चेंज, एंड देखिए आप लोग क्या से क्या हो गया। फिर उसके बाद आजकल हम लोग स्क्रीन प्ले के बारे में बात करते हैं, स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो मैं स्क्रीन प्ले के एक एस्पेक्ट के बारे में बोलना चाहता हूँ। दिस इज़ नॉट प्योरली स्क्रीन प्ले डिस्कशन, बट स्क्रीन प्ले बेसिकली क्या होता है कि स्क्रीन में हो क्या रहा है। स्क्रीन प्ले में भी हो सकता है कि आपका एक पेज में ऐसे पूरा 150, 200, 300 वर्ड्स का एक स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है, बट विच इज़ जस्ट वन शॉट, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो शॉट है, यहाँ पे केओस के अंदर आपको भगवान राम दिखने चाहिए। मतलब ये सीन एक केओस है, लेकिन इसको अच्छे से नहीं किया गया, इसीलिए भगवान राम ना जो मेन कैरेक्टर है वही खो गए इस सीन में। और इसको कैसे फिक्स किया जाता है, मैंने ना एक एग्जांपल दिया था आप लोग को RRR के टीज़र का, मैंने एक बार एग्जांपल दिया था कि ये शॉट देखिए, इसमें भी केओस है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो क्लाउड के पीछे से जो वाइट शाइन है, फिर उसमें वो कैरेक्टर है। तो इतने केओस के बीच में भी हमें कैरेक्टर दिखता है। दैट इज़ द पावर ऑफ स्क्रीन प्ले और सिनेमाटोग्राफी, जो होता है ना कि स्क्रीन में क्या हो रहा है, क्या आप कन्वे करना चाहते हो। तो यहाँ पे ये सीन बहुत ही फेलियर है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे सीन्स देखे होंगे जहाँ पे कैरेक्टर क्राउड के बीच में है, बहुत सारे कैरेक्टर्स के बीच में अपना हीरो है, दिस एंड दैट, लेकिन फिर भी आपको वो हीरो या हीरोइन दिखती है, क्योंकि दैट इज़ द पावर ऑफ स्क्रीन पे, दैट इज़ द पावर ऑफ कंपोजिशन, दैट इज़ द पावर ऑफ सिनेमाटोग्राफी। लेकिन यहाँ पे ना इट्स लाइक डन वेरी मिजरेबली। मतलब पता है कोई भी, मतलब आप किसी भी विजुअल फील्ड में आइए, किसी भी विजुअल स्टोरी, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से लेके फिल्म मेकिंग, कहीं पे भी आप आइए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर जॉब कि हाउ टू डायरेक्ट योर व्यूअर्स आइज। अगर आप कोई मार्केटिंग कैंपेन बना रहे हो, कोई अगर आप ऐड बना रहे हो, तो ऐड में ना कोई भी टेक्स्ट आप कहीं भी नहीं रख सकते, वो गलत होगा। आपको ये स्ट्रैटेजिकली सोचना पड़ेगा कि वेयर योर व्यूअर्स विल सी एंड हाउ योर व्यूअर्स विल सी द एड, दैट इज कॉल्ड विजुअल डायरेक्शन। फिर उसके बाद जो मुझे लगता है कि जो शॉट एक्चुअली इस टीजर का मनी शॉट हो सकता था, कि ये जो रावण का जो 10 सर बनता है, कि 10 सर हम लोग को दिखने को मिलता है, ऐसा डिपिक्शन मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो दिस कुड हैव बीन द मनी शॉट। आप इमेजिन कीजिए एक अच्छा टीजर गया और उसके बाद मतलब वो जो नाम आने के बाद एंड में ये शॉट आया, ऐसा होना चाहिए था इस शॉट का इम्पैक्ट। बट ये शॉट ना बहुत गंदे से हुआ है, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये इतना क्यों गंदा है। अगर आप मेरे इस चैनल को फॉलो करते हो, मेरे वीडियोस अगर आप पहले से देखते हो, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं लाइटिंग के बारे में बात करूँगा, कि जब ये ब्लू ग्लो आ रहा है तो उस ब्लू ग्लो का असर ना एनवायरनमेंट में होना चाहिए, लेकिन एनवायरनमेंट में वो ब्लू ग्लो का असर हो ही नहीं रहा है। ब्लू ग्लो बोल के देखिए, ये जो ब्लू ग्लो का असर है ये हो ही नहीं रहा है, विच इज़ नॉट गुड। वो ना आपको ऐसा लगता है कि लिटरली कुछ ना कुछ ऊपर कंपोजिट कर दिया, मतलब एक सीन बना हुआ है उसके ऊपर किसी को कंपोजिट कर दिया, ऐसा लगता है। वो गलत है, मैंने बहुत बार आप लोग को बोला है। सब लोग बोले थे कि ब्रह्मास्त्र के वीएफएक्स के बारे में कि वीएफएक्स बहुत अच्छा है दिस एंड दैट, उसका एक मेजर कारण है कि उन लोगों ने लाइटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अगर आप बिहाइंड द सीन्स देखोगे ना ब्रह्मास्त्र के, तो उन लोगों ने लाइटिंग को एक्चुअल रियल लाइटिंग किया, फिर बाद में वहाँ पे जाके वीएफएक्स एलिमेंट को ऐड किया, तो वो लाइट एंड शेडो वाला चीज़ ना प्रॉपर आता है, विच ट्रिक्स आर माइंड कि ओके कोई अगर चीज़ उधर है तो वो उस सीन का पार्ट है, उसको ऊपर से नहीं लगाया गया। लेकिन ये ब्लू ग्लो ना एंड वेरी पोअरली डन, ऐसा लगता है कि कुछ गलती छुपा रहे हैं, मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है वो दिखता नहीं है इस ब्लू ग्लो के कारण। फिर दूसरी बात मैं आपको बोलूँगा कि मैंने बोला ना कि बजट को कैसे एक्सप्लॉइट किया। देखिए अभी क्या है, सपोज आपके पास एक वीएफएक्स का बजट है अच्छा वाला, ठीक है, तो उसको ना सैफ अली खान के 3D फेसेस बना के वेस्ट करने से बेटर है कि सैफ अली खान के फेस को अलग अलग एंगल में रियल फेस को अगर वो लोग रिकॉर्ड करते हैं, मतलब शूट करते एंड जो वो बजट था वीएफएक्स का उसको रोटोस्कोपी में लगाते, तो इस सीन का इम्पैक्ट ना और ज़्यादा आता है, क्योंकि विल सी सैफ अली खान इन एवरी फेस, रियल सैफ अली खान। लेकिन वहाँ यहाँ पे नहीं किया गया, यहाँ पे बाकी के फेसेस ना 3D में क्रिएट किए गए हैं, तो विच इज़ नॉट गुड, मतलब वो पता चलता है इट्स वेरी पुअर। और फेस को 3D में बनाना बहुत सबसे ज़्यादा मुश्किल है। आप ना ड्रॉ करने जैसा है, अगर आप किसी को ड्रॉ करते हो ना, जितना भी आप कोशिश करो सेम सेम करने का, कुछ ना कुछ अगर चेंज हो जाता है तो आपको लगता है कि अरे यार मैंने सब कुछ सेम सेम किया बट फिर भी वाई ही और शी इज़ नॉट लुकिंग लाइक ही और शी इन माई ड्राइंग। तो 3D में भी सेम है, आप कितना भी सेम क्यों ना करो, कुछ ना कुछ तो रह जाएगा जिससे आपका माइंड ट्रिक हो जाएगा कि ओके दिस इज़ नॉट ए रियल फेस और हिज और हर रियल फेस इन 3D। तो ये एक प्रॉब्लम है, मतलब बजट को कैसे एक्सप्लॉइट किया गया, गंदी प्लानिंग। बजट है लेकिन उसको गंदे प्लानिंग में ख़राब कर दिया, ठीक है। तो सिर्फ बजट होने से नहीं होगा, आपको एफिशिएंट होना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद भी एक चीज़ है जो आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ एक एनिमेटर ही आपको बता सकता है कि एनिमेशन है, मतलब द पॉपिंग हेड्स वाला जो एनिमेशन है। देखिए एनिमेशन ना, जब अगर आप एनिमेशन करते हो तो बेसिकली यू आर मूविंग समथिंग, राइट, दैट इज़ एनिमेशन, आप किसी को लाइफ दे रहे हो, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है ना कि डिज्नी भी एनिमेशन बनाता है और जो रियलिस्टिक एनिमेशन होता है ना वो भी एनिमेशन ही होता है। तो डिफरेंस क्या है डिज्नी के एनिमेशन में और हल्के एनिमेशन में, डिफरेंस क्या है कभी आपने सोचा है? देखिए जब आप किसी चीज़ को क्यूट या पेपी या फिर कार्टूनी बनाना चाहते हो ना, तो आपको ना मूवमेंट्स थोड़े वैसे देने पड़ते हैं कि सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अरे ये क्या है, इधर देखो उधर देखो, तो ये हो गया डिज्नी एनिमेशन, मतलब हर चीज़ एग्जैजरेटेड, ठीक है। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में करोगे तो रियल लाइफ में लोग ऐसे नहीं बात करेंगे, अरे ये क्या है। तो ये दोनों एनिमेशन में डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है ना, रावण के सर जब आके पप 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 पप, ठीक है, तो ये जो एनिमेशन है ना, ये एनिमेशन एक्चुअली थोड़ा कार्टूनी एनिमेशन है, इट डजंट लुक मैनेसिंग, ठीक है। वो लोग मैनेसिंग करना चाहते थे लेकिन इट डजंट लुक मैनेसिंग। अगर वो लोग ना इस वेव को, मतलब ये जो हेड आता है जाता है आता है जाता है, इसको अगर थोड़ा सटल कर देते तो ये सीन ज़्यादा मैनेसिंग लगता। ऐसा है, ये प्रैक्टिकली है, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आपको ये कोई बताएगा नहीं, क्योंकि वही है कि आपको लगता है कि ये सीन, सब लोग इस सीन के बारे में बुरा बोल रहे हैं कि अरे यार ये क्या बना दिया, मतलब दिस एंड दैट, लेकिन क्यों, व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड इट। तो ये रीज़न है। अगर आप एनिमेटर हो और इस वीडियो को देख रहे हो देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, और आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं एक्चुअली बोलना क्या चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन। अब बात करते हैं जो वानर सेना है। देखिए अभी क्या है कि ऑब्वियसली ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी थोड़ी मिथिकल है, यहाँ पे मिथिकल एलिमेंट्स है। तो आपके टाइम पे इफ़ यू आर मेकिंग दिस स्टोरी, इफ़ यू आर टेलिंग दिस स्टोरी, तो आपको CGI का हेल्प लेना ही पड़ेगा। इफ़ यू लुक एट द ओल्ड रामायण ऑल्सो, तो वहाँ पे भी उन लोगों ने मेकअप से किया था, बट आजकल ये मेकअप नहीं होगा एक्सेप्टेबल, तो आपको CGI करना पड़ेगा, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। वही है कि क्लेवरली करना था मेरे हिसाब से। देखिए मैं इधर बैठ के आराम से बोल रहा हूँ तो इट्स वेरी ईजी फॉर मी टू से, लेकिन मुझे ना ये बोलते हुए बुरा लग रहा है क्योंकि किसी ने बैठ के मेहनत करके ये काम किया है। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे जो लाइफ का फर्स्ट एनिमेशन था, 3D एनिमेशन था, वो भी मैंने मंकी को ही एनिमेट किया था, जो थोड़ा फनी वे में था। वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल दूँगा, आप लोग जाके देख सकते हो। वो मेरा लाइफ का पहला एनिमेशन है। आप लोग एंड तक देखिए, नीम कास्टिंग में मेरा नाम भी आता है। बट ये जो एनिमेशन है ये बहुत बेसिक एनिमेशन है कि नुआंसेस नहीं है। मे बी वो परफॉर्मेंस कैप्चर लेना चाहिए था उन लोग को, ऐसा कुछ करना, कुछ तो उन लोगों को करना चाहिए था कि दे आर टेलिंग दिस स्टोरी विद दिस मच एनिमेशन एंड इट फील्स वेरी वेटलेस, इट फील्स वेरी सीरियल के क्वालिटी के हिसाब से भी आजकल तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है। एंड एक और चीज़ है जो मैं बोलना चाहता हूँ कि इस पूरे टीज़र में जो एनिमेशन दिखा मुझे, उसमें जो एक बहुत जारिंग प्रॉब्लम मुझे दिखा वो ये है कि मान लीजिए कि दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग, ठीक है। अभी 3 महीने में मूवी रिलीज़ होगा, तो टीज़र तक अगर ये क्वालिटी है तो 3 महीने में और वो लोग कितना ही इम्प्रूव कर लेंगे। तो मान लीजिए कि यही हम लोग को क्वालिटी मिला इस मूवी का, ठीक है, इससे बेटर नहीं होगा। तो क्या है जो इसमें फिर भी अभी भी आप फिक्स कर सकते हो मेरे हिसाब से, कि इसमें ना किसी भी एनिमेशन में मोशन ब्लर नहीं है। उससे क्या सॉल्व होगा, मतलब क्या प्रॉब्लम वो चीज़ सॉल्व करता है, मैं आपको बोलता हूँ। जैसे कोई भी मूवी जो है ना वो 24 फ्रेम्स में बनती है, मतलब 24 फ्रेम्स पर सेकंड में बनती है, एक सेकंड में 24 फ्रेम होता है, वो बहुत बहुत बेसिक आप लोगों को पता ही होगा। तो उस चीज़ से ना एक बड़ा ही अजीब सा चैलेंज आ जाता है कि व्हेन यू शो फास्ट मूविंग थिंग्स, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर बहुत फास्ट हो रही है ना, वो अगर आप 24 फ्रेम्स पर सेकंड में दिखाने जाओगे तो एक बहुत बड़ा ही यूनिक चैलेंज आता है, क्योंकि एनिमेशन में शटर स्पीड नहीं होता है, राइट। आप जब रॉ फ्रेम्स दिखा रहे हो आप, और शटर स्पीड से ब्लर आता है, मोशन ब्लर आता है। मैं बहुत टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, बट वही है कि जैसे कि देखिए अगर अभी मैं इस अपने हाथ को बहुत ज़ोर से ऐसे हिलाऊंगा ना, इट विल लुक नेचुरल, क्योंकि शटर स्पीड के कारण से ना इधर मोशन ब्लर नेचुरली आ रहा है। बट जब आप एनिमेशन करते हो तो वहाँ पे शटर स्पीड नहीं होता है, तो वहाँ पे ना वो मोशन ब्लर नहीं आता है, तो बहुत जारी होता है। जैसे कि ये शॉट देखिए, यहाँ पे ये बंदर आके, मतलब ये क्रिएचर आके लैंड करके अपने हाथ को ऊपर से नीचे ला रहा है, तो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, वो पता भी नहीं चलता कि हाथ ऊपर से नीचे गया। सो इट लुक्स वेरी कार्टूनी। और ये प्रॉब्लम कब होता है पता है, वी फेस दिस प्रॉब्लम विद क्लाइंट्स कि सपोज आप कोई व्हील स्पिनिंग एनिमेशन कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा ज़ोर से घूमने वाला एनिमेशन कर रहे हो, तो बाय द नेचर ऑफ इट वो एक पॉइंट के बाद ना ऐसा लगने, वो पहले कैसा होता है कि वो घूमेगा, देन वो स्लो होगा, फिर ऐसा लगेगा कि वो उल्टा घूम रहा है। वो आपने देखा होगा कि आप फैन को घूमते हुए ट्यूबलाइट में ऑन कीजिए तो ऐसा लगता है कि फ़ैन उल्टा घूम रहा है। तो ये ना नेचुरल है, इसको आप बीट नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग ऐसे भी क्लाइंट्स के साथ काम किया है कि जो हम लोग को बोलते कि अरे तुम्हारा व्हील तो उल्टा घूमने लग गया, जिसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, हम लोग उसको ठीक नहीं कर सकते। ट्रू स्टोरी। तब उस टाइम पे क्या होता है कि मैं जो जुगाड़ लगाता हूँ वो ये कि आइदर मैं फ्रेम रेट बढ़ा देता हूँ या फिर घटा देता हूँ, या फिर उसमें मोशन ब्लर डाल देता हूँ। अभी फ्रेम रेट बढ़ाना घटाना तो इसमें पॉसिबल नहीं, मूवी में पॉसिबल नहीं है, बट उसको काउंटर करने के लिए आप मोशन ब्लर डाल सकते हो। मोशन ब्लर से क्या होता है कि वो मोशन स्मूथ हो जाता है, सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि वो इधर घूम रहा है कि उधर घूम रहा है। ये जो चीज़ है मोशन ब्लर, ये इस टीज़र के किसी भी एनिमेशन में कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, तो इट लुक्स वेरी अननेचुरल। मतलब वो कंपोजिट ना ऐसे रॉ कंपोजिट लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि सीन का पार्ट है, वो वाली फील नहीं आती, विच इज़ अ मेजर थिंग इन दिस टीज़र। मतलब वो बहुत बहुत दिखता है वो चीज़। और फिर से अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हो पहले से तो आपको पता है कि बहुत सारे सीन्स में लाइटिंग मैच नहीं हुआ। ये बहुत सारे रिव्यूज़ में बोला है, मैंने देखा है बहुत सारे रिव्यू कि सूरज इस तरफ है तो लाइट कहीं से आ रहा है, दिस एंड दैट। तो देखिए अभी हम लोग इतना इवॉल्व हो चुके हैं कि ये सब देख के हम लोग को पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। मैं भी कितने सारे वीडियोस बना चुका हूँ और कितनी बार बोलूँगा यही सेम चीज़ें। बट देखिए ये होता क्यों है, क्योंकि बेसिकली दे केप्ट एवरीथिंग फॉर द पोस्ट। उन लोगों ने एकदम लेजी शूट किया करके दे केप्ट एवरीथिंग फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ टू एवरी क्लाइंट, एवरी फिल्म मेकर, कि वी एज क्रिएटिव आर्टिस्ट नाउ वी कैन क्रिएट मैजिक। ये हम सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बट उस चीज़ को ना थोड़ा रेस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। पैसे सब कुछ नहीं होता है, कोई भी बंदा या बंदी इस फील्ड में ना पैसे के लिए नहीं आता है। दिस फील्ड इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे कोई भी पैसे कमाने के लिए क्रिएटिव आर्टिस्ट बनेगा वो नहीं होता है, तो उस चीज़ को ना रेस्पेक्ट कीजिए। हम लोग के साथ भी पर्सनली ऐसा बहुत होता है कि कभी कभी हम लोगों ने इतनी मेहनत करके एक चीज़ बनाया, देन वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है, क्लाइंट को समझ में नहीं आया, एंड देन सडनली वी हैव टू डू इट अगेन। और उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि ओके विल चार्ज मोर मनी फॉर इट। वो मोर मनी से ना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, पता है, क्योंकि एवरीथिंग वी मेक वी पुट समथिंग ऑफ आर्स देयर। हम लोगों का ज़रा सा एक उस चीज़ में ना छूट जाता है, हम लोग दे देते हैं क्योंकि हम लोगों ने बनाया है वो चीज़, राइट। इसीलिए बोलता हूँ कि जगह अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो ना तो एटलीस्ट हैव रेस्पेक्ट फॉर द आर्टिस्ट हु आर वर्किंग देयर। वो लोग अपना पार्ट ऑफ लाइफ वहाँ पर दे रहे हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो। तो वो उस चीज़ को ना रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। डू नॉट लीव एवरीथिंग फॉर द पोस्ट। अगर पोस्ट में करना भी है तो आर्टिस्ट को ऐसा कुछ तो दो ना जो पोस्ट में वो ठीक कर पाए। वो अगर आप लाइट इधर से करोगे, इधर से करोगे, तो फिर वो ठीक कैसे करेगा पोस्ट में, राइट। वो एक रेस्पेक्ट वाली बात है। फिर से बोलता हूँ, कन्विक्शन, आपको अच्छा चीज़ बनाना था ही नहीं, इसीलिए ये सारी गलतियाँ हुई हैं इधर। और देखिए अभी मैं हर चीज़ का ना अच्छा देखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस टीज़र में ये शॉट, दिस शॉट, आई थिंक दिस शॉट इज़ द बेस्ट शॉट ऑफ दिस होल टीज़र। मुझे नहीं पता कितना प्रैक्टिकल है, कितना वीएफएक्स है इस शॉट में, बट ये शॉट ही मुझे लगता है कि थोड़ा रियलिस्टिक है, थोड़ा रियलिस्टिक लगता है। अभी मुझे नहीं पता कि रावण जी ऐसे हेयर कट करते थे या फिर वो कैसे दिखते थे, उनको कैसा दिखाना था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं इन टर्म्स ऑफ विजुअल बोल रहा हूँ कि ओके बर्फ़ गिर रहा है, बर्फ़ है, उनके ऊपर भी बर्फ़ प्रैक्टिकली लगाया गया है। सो दिस शॉट इज़ गुड, दिस इज़ द ओनली शॉट जो मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा है। एंड डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन दिस शॉट। इस शॉट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, मुझसे ज़्यादा आप लोग बोल दो कि इस शॉट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और पता है ये हनुमान जी का जो ये उड़ के जाने वाला शॉट है, ये देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हनुमान जी को हुआ क्या, ऐसे मुंह फुला के क्यों एक्टर से एक्टिंग करवाया गया। मतलब उन लोगों ने रियली सोचा कि हम लोग नोटिस नहीं करेंगे, क्या ऑडियंस ये चीज़ नोटिस नहीं करेगी, ये कैसे सोच लिया। मतलब ये मजाक जैसा लग रहा है, सच में बोल रहा हूँ मैं। हमारे आसाम में ना एक चीज़ होता है, जैसे कि रामलीला होती है ना, हमारे आसाम में होता है भावना, जहाँ पे लोग ऐसे एक्ट करते हैं कि हनुमान है, ये है, वो है, अलग अलग कैरेक्टर्स रामायण महाभारत। तो वहाँ पे बहुत सारे हनुमान के मेकअप ना इससे ज़्यादा अच्छा होता है। डिसरेस्पेक्ट तो मत करो यार, मतलब नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन डिसरेस्पेक्ट तो मत करो। एंड डिसरेस्पेक्ट से याद है कि इस टीज़र के बाद ना मैंने देखा कि प्रभास को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है, कि प्रभास को बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग हो रहा है, दिस एंड दैट, जो मे बी शायद सही भी है। क्योंकि टू बी फ्रैंक जब मैं बाहुबली देख रहा था ना, तब भी मुझे लगा कि प्रभास के बॉडी को ना कुछ तो किया गया, ऐसा मुझे लगा था। इट लुक्ड लिटिल अननेचुरल, प्रभास की जो बॉडी है स्पेशली। बट जैसा कि मैंने अपने राधे वाले वीडियो में बोला था कि बॉडी एनहांसमेंट जो है ना वो मूवी में, मतलब मूवी इज़ ए विजुअल मीडियम राइट, यहाँ पे आपको अच्छा दिखाना पड़ेगा, अच्छा दिखने के लिए लोग आते हैं। वो एनहांस करना मैं बुरा नहीं मानता, इनफैक्ट मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, आप लोग जाके देख सकते हो। बट देखिए करना है तो नज़ाकत से करना है। फॉर एन एग्जाम्पल ये शॉट देखिए, यहाँ पे भगवान राम के मतलब प्रभास के हाथों को एनहांस किया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे ना उन लोगों ने गलती कर दी, क्योंकि अगर आप जिम जाते हो तो आपको पता है आपके बाइसेप्स ना कभी फ्लेक्स नहीं होते, मतलब आपके बाइसेप्स कभी फूलते नहीं अगर आपका हाथ रिलैक्स्ड है। बाइसेप्स तभी फूलेंगे जब आप इसको कर्ल करोगे, ठीक है, क्योंकि वही नेचर है, वही एनाटॉमी है कि बाइसेप में कभी ऐसा गोल आर्क नहीं आएगा अगर आपका हाथ ऐसे रिलैक्स्ड है। आपका हाथ अगर रिलैक्स्ड है तो आर्क आएगा ट्राइसेप में। इसीलिए बॉडी बिल्डिंग में कहावत है कि अगर आपको अपने आर्म्स बड़े दिखाने हैं तो ट्राइसेप्स पे ज़्यादा काम करो, बाइसेप्स पे ठीक है, मतलब क्योंकि बाइसेप का शेप ही वैसा होता है, वो सीधा आके ऐसे गिरता है एंड देन ट्राइसेप्स का अलग से शेप आता है। यहाँ पे क्या होगा कि बाइसेप भी रिलैक्स्ड, मतलब रिलैक्स्ड हाथ में बाइसेप फ्लेक्स हो रहा है, विच इज़ रॉन्ग। ये सेम चीज़ ना इधर इस शॉट में भी है, जो हनुमान वाले एक्टर हैं उनके हाथों में भी ये चीज़ किया गया है, विच इज़ लाइक सुपर रॉन्ग। वो चीज़ ना देखिए, शायद मैं नहीं बोलता तो आप लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन आपका जो दिमाग है, सबलिमिनल जो मैसेज है, जो दिमाग है, वो इस चीज़ को ग्रैब कर लेता है। और ऐसा ना बाइसेप तभी दिखेगा व्हेन यू आर लाइक रियली पैशनेट अबाउट बॉडी बिल्डिंग। बट जैसा कि सबको मालूम है कि जनवरी में मूवी रिलीज होने वाली है, तो आई होप कि मूवी अच्छी हो, मतलब एटलीस्ट स्टोरी अच्छी हो। अगर वीएफएक्स वो लोग अच्छी नहीं भी कर पाए, एटलीस्ट स्टोरी अच्छी हो, गूजबम्स आए और वैसा कुछ विजुअल्स हो, तो आई थिंक इस मूवी के लिए एक सेविंग ग्रेस होगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पता यही प्रॉब्लम थी ना मेरी ब्रह्मास्त्र को लेके भी, कि ब्रह्मास्त्र जब मैं देख रहा था तब भी ना ऐसा कोई सीन नहीं था जो मैंने पहले नहीं देखा है अपने लाइफ में। अभी देखिए आप बोलोगे कि कंपेयर क्यों करता है दिस एंड दैट। देखिए कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही तो हूँ ना जो मार्वल भी देखता हूँ, डीसी भी देखता हूँ, ब्रह्मास्त्र भी देख रहा हूँ राइट। मैं अपने ब्रेन को स्विच ऑफ तो नहीं कर सकता ना, मतलब वो मैं भूल गया, देख के मैं भूल गया, ऐसा तो नहीं कर सकता। एक बार मैंने देखा हुआ है, ब्रह्मास्त्र में भी मुझे वही सेम चीज़ें दिखने को मिल रही है। इनफैक्ट पहले शायद मुझे बेटर दिखा था, क्योंकि जैसे कि ब्रह्मास्त्र में क्या है कि ही इज़ लाइक अग्निअस्त्र राइट, मतलब ही प्लेज विथ फायर। तो यही सेम चीज़ ना मैंने एक मूवी स्काई हाई, उसका सीन मैं नीचे लिंक कर दूँगा, आप लोग देखिए, उस सीन में इसी चीज़ को मेरे हिसाब से बेटर दिखाया गया था इतने साल पहले। रणवीर सिंह ने भी अच्छा काम किया, मैंने वो नहीं बोला, इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ यूनिक नहीं दिखने को मिला। वो मेरी प्रॉब्लम है कि जो भी दिखाया ना वो मैंने पहले कभी ना कभी तो मैंने देखा हुआ है कहीं ना कहीं। एंड एक सवाल है कि देखिए आग जो है, आग एक रियल चीज़ है राइट, लाइक वी कैन सी फायर इन एवरीडे लाइफ। तो आग में पिंक क्यों डाला, वाई देयर्स पिंक इन फायर, पिंक तो होता नहीं ना। तो उसमें भी ना मुझे लगा कि दिस इज़ लाइक टेकिंग मी आउट ऑफ द मूवी लिटिल बिट वो। बट एनीवे ये वीडियो आदि पुरुष के ऊपर था एंड आई थिंक मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया अभी इस वीडियो के थ्रू। तो आई होप आप सब लोग अच्छे हो, यू गाइज आर डूइंग वेल। अब पता नहीं कि अगला वीडियो कब आएगा, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, रात को 1:30-2 बजे बैठ के मुझे रिकॉर्ड करना पड़े, पता नहीं कब एडिट करूँगा, कब क्या होगा, बहुत सारा काम है। बट एनीवे अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं जब भी मैं अपलोड करूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और डिसलाइक बटन अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। सो दिस वाज शमीम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड यू आर वाचिंग किबाकिबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जब भी मैं अपलोड करता हूँ।